हेलो माय डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब दिस इज़ आकांक्षा सिंह वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जर एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम चैनल का तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए आपको सारी पी और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको मिलते हैं एंड आज का जो टॉपिक है वह है थेरापेटिक न्यूट्रिशन ये टॉपिक जो है ये टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसमें दिया था कि जो भी डिजीज़ और उनकी ट्रीटमेंट एंड डायट्री ट्रीटमेंट क्या है तो जो डिजीज़ का ट्रीटमेंट एंड डाइट्री ट्रीटमेंट जो भी होगा वो आता है थेरेपेट्रिक न्यूट्रिशन में तो उसका टॉपिक है थेरापेट्रिक न्यूट्रिशन तो आज से हम स्टार्ट करेंगे थेरापेट्रिक न्यूट्रिशन उसमें डिजीज़ हैं लाइक टाइफा फ़ीवर है डायबिटीज़ है और कैंसर ये सब डिजीजे हैं तो इन सब डिजीज़ के बारे में हम कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे पहला डिजीज द उसका डाइश्री ट्रीटमेंट क्या है एंड आई एम परसुइंग माई पी एच डी फ्रॉम वसंत मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं थेरापेटिक डाइट्स आर फॉर्मुलेटेड टू ऑप्टीमाइज द न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द क्लाइंट इन ऑर्डर टू ट्रीट अ वराइटी ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर और टू इम्प्रूव द एटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ अ पेशेंट जो ये नॉर्मल डाइट होती हैं और नॉर्मल डाइट में थोड़ा सा चेंजमेंट करके लाइक अगर कोई सिंपल सी डाइट है नॉर्मल डाइट है वो नॉर्मल पर्सन के लिए थी और कोई अगर ओवर वेट पर्सन आता है तो उसकी डाइट में जो चेंजमेंट करेंगे वो है कि उसको एनर्जी कम कर देंगे कम एनर्जी करके देंगे या फिर कोई अंडर वेट पर्सन आता है तो उसकी डाइट में एनर्जी का जो अमाउंट है वो बढ़ा देंगे तो ये जो मॉडिफिकेशन हो रहा है डाइट में ये मॉडिफाइड डाइट को बोलते हैं थेरापेटिक डाइट्स और जो नॉर्मल डाइट थी अकॉर्डिंग टू आर कि नॉर्मल पर्सन को कितनी एनर्जी चाहिए कितनी प्रोटीन चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर डाइट थी तो उसको बोलते हैं नॉर्मल डाइट और ये थेरापेटिक डाइट जो है वो यूज़ की जाती है टू ट्रीट अ वेराइटी ऑफ डिजीज़ एंड डिसऑर्डर डिज़ीज़ और डिसऑर्डर्स को जो भी कोई डिजीज़ है या कोई डिसऑर्डर है तो उसको चूज ट्रीट करने के लिए उसको ठीक करने के लिए ये थेरापेटिक डाइट्स जो है वो यूज़ की जाती हैं एंड इम्प्रूव द ईटिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ पेशेंट और जो पेशेंट की ईटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं कि किसी को लाइक अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंसी है मीन्स अगर कोई अगर पर्सन लैक्टोज लैक्टोज अगर वो कंज्यूम करता है तो उसको जो है उसके इन जो जी आई ट्रैक है गैस्ट्रो इंटरस्टैनल ट्रैक उसमें इरीटेशन होने लगती है वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है फिर उसको कोई एलर्जिक इफ़ेक्ट आता है तो ये सब कैपेबिलिटीज़ को इंप्रूव करने के लिए भी थेरापेटिक डाइट यूज़ की जाती है लाइक जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर सकता है और डेयरी प्रोडक्ट्स ये एनिमल ओरिजिन के होते हैं क्योंकि मिल्क इज एनिमल ओरिजिन से हैं तो वो गुड प्रोटीन क्वालिटी का होता है उसमें प्रोटीन जो होती है वो अच्छी प्रोटीन होती है तो उस प्रोटीन को फुलफ़िल करने के लिए उसके सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना उसके सप्लीमेंट्स के लिए सोया मिल्क एंड सोया पनीर ये सब प्रोवाइड करना तो ये सब जो डिसऑर्डर्स हैं इनको वो इम्प्रूव करने के लिए ईटिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो डाइट यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं थेरापैटिक डाइट डाइट फॉर केयर केयर के लिए प्रिवेंशन ऑफ डिज़ीज़ डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन सब चीज़ों के लिए जो डाइट यूज़ होती है वो होती है थेरापेटिक डाइट रिकवर और थेरापेटिक डाइट में कुछ एजेंट्स होते हैं या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिकवर करते हैं फ्रॉम इलनेस मेंटेन करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस डिफिशेंसीज को करेक्ट करते हैं मीन्स जो डिफिशेंसी हुई है उनको इम्प्रूव करते हैं ठीक करते हैं गिव राइज टू द अफेक्टेड ऑर्गन एंड ब्रिंग चेंजेस इन द बॉडी लाइक जो थेरेपेटिक डाइट हैं लाइक किसी को फीवर हुआ था तो उसको हाई एनर्जी हाई प्रोटीन और हाई फ्लूड डाइट देंगे तो ये है थेरापेटिक डाइट जो बीमारी को रिकवर करती है और केयर करती है पर्सन की उसके बाद जो न्यूट्रिशनल स्टेटस डिजीज़ के टाइम अगर कोई बीमारी है उस टाइम जो न्यूट्रिशनल स्टेटस जो कम हो रहा है या डिप्लीट हो रहा है उसको भी इम्प्रूव करती है मेंटेन करती है और कोई डिफिशियंसी डिजीज़ हो गई है लाइक विटामिन ए की डिफिशेंसी से डिजीज़ हो गई आंखों में प्रॉब्लम हो रही है या ब्लाइंडनेस आ रहा है तो जो डाइट देंगे वो उसमें विटामिन ए मॉडिफाई करके देंगे उसमें विटामिन ए रिच डाइट देंगे तो डिफिशेंसीज़ को भी करेक्ट करती है एंड गिव राइज टू द अफेक्टेड ऑर्गन अगर फीवर था तो फीवर में लीवर अफेक्ट करता है तो लीवर में जो बाइल जूस का सिक्रेशन है वो अफेक्ट करता है तो ऐसी डाइट देते हैं जिससे लीवर पे प्रेशर कम पड़े लाइक हाई एनर्जी और बायोलॉजिकल प्रोटीन देते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में और जो फैट है वो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड वाले फ़ैट देते हैं क्योंकि तो फ़ैट जो है वो ट्राइग्लिसराइड से बने होते हैं कुछ हाई चेन हाई वाले चेन ट्राइग्लिसराइड होते हैं कुछ मीडियम कुछ शॉर्ट तो जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो देते हैं जिससे लीवर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और बॉडी में ज़्यादा जो चेंजमेंट हो रहे हैं उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है यह हिंदी में तो हिंदी में भी देख लीजिएगा और मोक टेस्ट सीरीज जो चल रही है टी जी और नेट से रिलेटेड नेट जो भी एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप वहाँ से वो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं थेरेपेटिक अडाप्टन ऑफ द नॉर्मल डाइट मीन्स नॉर्मल डाइट में क्या मॉडिफ़िकेशन करते हैं क्या चेंजमेंट करते हैं जिससे वो थेरापेटिक डाइट बन जाती है तो क्या करते हैं मॉडिफ़िकेशन इन एनर्जी इनटेक जो एनर्जी इनटेक है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं लाइक ओवर वेट पर्सन है तो उसको लो एनर्जी डाइट देंगे अंडर वेट पर्सन है तो उसको हाई एनर्जी डाइट देंगे तो ये एनर्जी में मॉडिफ़िकेशन हो रहा है तो यह थेरापेटिक डाइट मॉडिफिकेशन इन द कंटेंट ऑफ वन और मोर न्यूट्रियट वन एक या एक से अधिक न्यूट्रिय का मॉडिफिकेशन कब करते हैं चेंजमेंट कब करते हैं जब कोई डिफिशेंसी डिजीज़ होती है किसी एक न्यूट्रिय से डिफिशियंसी डिजीज़ है तो उस जब कोई डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे तो जिस न्यूट्रिय की डेफिशेंसी डाइट है सॉरी डिफिशियंसी डिजीज़ है तो उसी न्यूट्रिय हाई डाइट देंगे जैसे विटामिन ए डिफिशेंसी डिजीज़ है तो जो डाइट प्रोवाइड करेंगे उसमें जो डाइट होगी वो विटामिन ए रिच डाइट होगी देन मॉडिफिकेशन इन द फाइबर कंटेंट हाई फाइबर डाइट अगर किसी को चाहिए कोई लाइक अगर शुगर है किसी को डायबिटीज़ प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है तो ऐसे पर्सनस को हाई फाइबर डाइट देते हैं क्योंकि फाइबर जो है वो ब्लड शुगर को बाइंड करके रखता है और जो शुगर है उसको धीरे धीरे ब्लड में रिलीज करता है जिससे ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है और शुगर लेवल है वो कांस्टेंट रहता है उसके बाद अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर जो है वो बॉबल मोमेंट में हेल्प करता है तो हाई फाइबर डाइट देन एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन फूड्स कुछ सर्टेन फूड को इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना जैसे कोई अगर लैक्टोस इंटॉलरेंसी है तो उसकी डाइट से जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनको हटा देना उनको एक्सक्लूजन हटा देना मीन्स एक्सक्लूड कर देना इंक्रीज़ और डिक्रीज इन द फूड फ्रीकवेंसी मीन्स लाइक अगर किसी को कोई स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है या गैस्ट्रो इनटेस्टाइनल रिलेटेड डिजीज है तो उसकी फ़ूड फ्रिक्वेंसीज मीन्स उसको एक एक टाइम पे थोड़ा कम कम करके खाना देंगे बट जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो बढ़ा देंगे लाइक फोर टाइम उसको मील देंगे फाइव टाइम मील देंगे पर एक जब उसको खाना देंगे तो खाने का अमाउंट कम कर देंगे और खाना देने का जो टाइम है लाइक तीन बार चार बार पाँच दिन में पाँच टाइम खाना देना तो ये टाइम्स बढ़ा देंगे कि हाँ दिन में वो सिक्स टाइम खाना खा रहा है ठीक है लेकिन जब वो खाना खा रहा है तो उसका अमाउंट कम कर देंगे तो ये है कि फ़ूड फ्रिक्वेंसीज चेंज कर देना ये है हिंदी में तो हिंदी में भी आप देख लीजिए और ये जो कॉन्सेप्ट लेक्चर वीडियोज़ हैं इसकी भी सीरीज़ है तो उसका भी प्लेलिस्ट जो है लिंक लिंक जो है उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप वहाँ से उसको भी चेक कर लीजिएगा और जो सबसे पहली डिजीज़ आती है ये थेरापेटिक डाइट में वो है फीवर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ़ीवर के बारे में कि फ़ीवर है क्या इनक्रीज ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल बिकॉज ऑफ इम्बेलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस्ड एंड एलिमिनेटेड जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है उसको कहते हैं फ़ीवर ठीक है इंक्रीज़ ऑफ बॉडी टेम्परेचर और ये इंक्रीज़ क्यों करता है वो इंक्रीज़ इसलिए करता है कि जब इम्बैलेंस होता है मीन्स जब बैलेंस बिगड़ता है हीट प्रोड्यूस्ड और एलिमिनेटेड के बीच में जो बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है और जो बॉडी हीट यूज़ कर रही है उन दोनों के बीच में जब बैलेंस बिगड़ता है या इम्बैलेंस होता है तब बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करता है और उसको बोलते हैं फीवर एक्यूट फीवर और शॉर्ट ड्यूरेशन फ़ीवर and body temperature rises to 104 degree fahrenheit and where chronic fever are वेर क्रॉनिक फीवर आर लॉन्ग ड्यूरेशन बट द टेम्परेचर मे देखो एक्यूट मीन्स शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग ड्यूरेशन ये कन्फ्यूजन हो जाता है याद करने में कि, कि किस में शॉर्ट ड्यूरेशन था किस में लॉन्ग ड्यूरेशन था तो ए जो है वो पहले आता है सी जो है बाद में आता है ऐसा ही सिमिलर जब हम लोग स्कूल में थे तो वहाँ पे जब असेंबली होती थी प्रेयर होती थी तो जो लाइन बनाते थे तो लाइन में सबसे पहले जिसकी हाइट कम है उसको खड़ा करते थे उसके बाद फिर हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाती थी तो सेम वही है ए पहले आता है तो इसकी ड्यूरेशन जो है टाइम ड्यूरेशन है वो कम है सी बाद में आता है तो मीन्स इसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है इसको सिंपली एक ट्रिक है इससे याद कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे ट्रिक तो बताइएगा और जो एक्यूट फीवर होते हैं उनका जो टेम्परेचर राइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जैसे देखो मलेरिया हुआ मलेरिया में एकदम से फ़ीवर आता है बहुत जोर से फिर धीरे धीरे कम हो जाता है एंड ट्यूबर क्लोसिस हो गया वो क्रॉनिक फीवर है ट्यूबर क्लोसिस में फीवर रहता है थोड़ा थोड़ा रहता है और लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है लॉन्ग टाइम तक रहता है तो ये दोनों डिफरेंस हैं बिटवीन एक्यूट फीवर एंड क्रॉनिक फीवर एक्यूट में कम टाइम के लिए और एकदम से सडन राइज़ होता है टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है टेम्परेचर में उसको बोलते हैं एक्यूट क्रॉनिक में लॉन्ग ड्यूरेशन तक फीवर रहता है और जो फीवर जो टेम्परेचर है वो भी कम रहता है वो हो गया क्रॉनिक मलेरिया जो है वो एक्यूट फीवर है और ट्यूबर क्रोसेस जो है वो क्रॉनिक फीवर है ये है हिंदी में एंड देखो इसके बाद मेटाबॉलिज्म मीन्स क्या मेटाबॉलिक अगर फीवर हो रहा है तो क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं तो जो फीवर आने के बाद जो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं वो ये हैं कि सेवन परसेंट इनक्रीज इन बी एम आर बी एम आर मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं या लेटे हैं तो उस टाइम भी हमारी बॉडी में कुछ इन्ेंट्री एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं जैसे हार्ट का पंप करना ब्लड पंप करना हमारा रेस्परेशन चलता रहता है बहुत सारी इन्वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ जो बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी के अंदर चल रही है ये सब ये प्रोसेस प्रोसेसें जो होती रहती हैं चलती रहती हैं तो उस इनवॉलेंट्री प्रोसेस में जो एनर्जी यूज होती है उसको कहते हैं बी एम आर बेसल मेटाबॉलिक रेट और ये जब फीवर वग़ैरह आता है तो ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये सेवन परसेंट इनक्रीज़ कर जाता है मीन्स फीवर के टाइम पे जो एनर्जी की डिमांड है वो इनक्रीज़ करती है डिक्रीज इन ग्लाइकोजन एंड एडिपोज टिश्यू एडिपोज टिश्यू जो फैट से बने होते हैं इनमें फ़ैट जो है एकोमलेट करता है स्टोर करता है ग्लाइकोजन या ग्लूकोज स्टोर करता है देखो जब हम डाइट या खाना ले रहे हैं उसमें जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके हमारे लीवर में और मसल्स में इकट्ठा करने लगता है जो ग्लूकोज हमारी लीवर और मसल में इकट्ठा होने लगता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन और ये ग्लाइकोजन जब बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज करता है सेम ऐसे ही एडिपोज टिश्यू इनमें फ़ैट होता है जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ी ये फ़ैट जो है ब्रेक करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो बॉडी में जो एडिपोस टिश्यू और ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म रेट इंक्रीजेस कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ जाता है क्योंकि प्रोटीन को प्रोटीन में एक ग्राम प्रोटीन में फ़ोर किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है अब बॉडी की जो है फ़ीवर के टाइम बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है डाइट से कार्बोहाइड्रेट से फैट से इन सब से जब एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है बॉडी की तब ये जो प्रोटीन है ये भी ब्रेक होने लगता है और जैसे जब प्रोटीन ब्रेक डाउन करेगा तो बॉडी में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा और प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होता है कि जिससे वो एनर्जी रिलीज कर सके देन लॉस ऑफ बॉडी फ्लूड्स बॉडी में जो फ्लूड्स हैं मीन्स जो वाटर बैलेंस है वो भी कम होने लगता है डिहाइड्रेशन होने लगता है फीवर में देखो नॉर्मली डिहाइड्रेशन होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और जो वाटर है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है इनक्रीज़ लॉस ऑफ मिनरल्स एंड डिक्रीज़ एब्जॉर्पन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिनरल का भी लॉस होता है जब कोई चीज़ जब ब्रेक डाउन होता है बॉडी में मसल्स में जब ग्लाइकोजन वगैरह ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसके साथ कैल्शियम पोटेशियम ये सब जो मिनरल्स हैं उनका भी लॉस जो है बढ़ जाता है और अब बॉडी अब फ़ीवर की स्टेट में जो न्यूट्रिएंट का एबजॉप्शन है वो भी कम हो जाता है फ़ीवर का कोई भी डिजीज़ हो कोई भी डिजीज स्टेट हो कुछ हो तो जो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्ब्शन है वो भी कम हो जाता है धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है तो ये है हिंदी में हिंदी में भी आप देख लीजिए फीवर में हम सबसे पहले पहले पढ़ेंगे कि टाइफाइड ये टाइफाइड कैसा फ़ीवर है किसके किस बैक्टीरिया के, के द्वारा कॉज होता है फीवर बाई सेल टाइफी बैक्टीरिया है जो ट्रांसमिट करता है थ्रू फीकल ओरल रूट जो टाइफाइड जो फ़ीवर है ये सेलमोनाला टाइफी नाम की एक बैक्टीरिया है सेलमोनाला टाइफोसा नाम की एक बैक्टीरिया है जो जिसके इन्फेक्शन से टाइफाइड होता है नॉर्मल चेंजेस हैपन इन यूजुअल फ़ीवर एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक इज़ हाईली इनफ्लेम्ड और इरिटेबल कुछ नॉर् अगर यूजअल फ़ीवर है जो सिंपल सा फ़ीवर आ रहा है उसमें कुछ चेंजमेंट होते हैं जब टाइफाइड होता है तो जो फ़ीवर की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है फ़ीवर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें थोड़ी सी इन्फ्लमेशन में जलन होने लगती है और इरीटेशन होने लगती है तो ये टाइफाइड के कुछ सिम्टम्स हैं कि नॉर्मल फ़ीवर से अगर लॉन्ग टाइम तक फीवर हो रहा है तो वो उसमें कुछ चेंजमेंट होंगे और वो टाइ और ये सेलमला टाइफोसा बैक्टीरिया ने अगर इन्फेक्ट किया है तो वो टाइफाइड बन जाएगा अल्सरेशन इन द इंटेस्टाइन में ऑल्सो अकर विच कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर बाइल पासिस एंड गलब्लेडर अगर टाइफाइड हो रहा है फ़ीवर अल्सरेशन इन इंटेस्टाइन मीन्स इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइन में अल्सर्स बनने लगेंगे मीन्स घाव जैसे बनने लगेंगे जिसकी वजह से जो लीवर में जो बाइल एसिड सिक्रीट हो रहा है जो गोल गोल्ब्लडर से जो एसिड पास हो रहा है इनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी इसमें जो सिक्रीशन हो रहा है एसिड्स का या जूसेस का इनमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी तो सिक्रीशन भी डिस्टर्ब करेगा जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में जो अल्सरेशन ये अल्सर इंटेस्टाइन में अल्सर होने लगेंगे ये टाइफाइड का कॉज है ये हिंदी में है सेलमोनीला टाइफोसा नाम की बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करती है ट्रीटमेंट एंड डाइट्री मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या है अगर फीवर है तो क्या ट्रीटमेंट देंगे तो है रेस्ट रेस्ट करने को डॉक्टर बोलता है वाम थेरेपी एंड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एंड मॉडिफाइड डाइट मीन्स जो भी पर्सन है या पेशेंट है जिसको फीवर है उसको डॉक्टर बोलता है कि आराम करो उसको मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं उसके बाद डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं कि हाई एनर्जी हाई प्रोटीन डाइट लेना है फ्राइड फूड नहीं लेना है ये सब डाइट में मॉडिफिकेशन होता है डाइट शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू जो डाइट है वो प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू फीवर अकॉर्डिंग टू डिजीज़ तो उसमें क्या होगा कि जो डाइट है उसमें न्यूट्रीशन प्रॉपर न्यूट्रीशन होना चाहिए क्योंकि तो फ़ीवर में हाई न्यूट्रेंट की रिक्वायरमेंट होती है हाई न्यूट्रिय डाइट चाहिए होती है मेनटेन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस नाइट्रोजन मीन्स प्रोटीन क्योंकि फीवर में प्रोटीन का कैटाबोलिज्म होने लगता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगता है जिससे टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता है टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा तो वेट लॉस होगा इसीलिए बोलते हैं कि जो डाइट हो वो हाई प्रोटीन डाइट हो मीन्स पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जब प्रोटीन जब एक्सेस में देंगे एक्स्ट्रा प्रोटीन देंगे तो जो नाइट्रोजन का बैलेंस है बॉडी में वो पॉजिटिव होगा नाइट्रोजन निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस मीन्स बॉडी में प्रोटीन की डिफिशेंसी है और टिश्यू का ब्रेक डाउन हो रहा है वेट जो लॉस होना इज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट और वाटर देखो फीवर में नॉर्मली देते हैं कि इलेक्ट्रॉलर हाई फ्लूड डाइट ये सब देते हैं ना तो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस के लिए इरीटेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक टू बी एवॉइडिड कुछ हाई फाइबर डाइट या फिर बहुत ज़्यादा फ्लेवर्ड चीज़ें या फिर कोई फ्राइड फूड ये सब नहीं देते हैं क्योंकि ये सब जो हाई फ्लेवर हाई फाइबर डाइट होती है वो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इरीटेशन करती है क्योंकि टाइफाइड की वजह से इंटेस्टाइन में अल्सर्स होने लगते हैं अल्सर होने लगते हैं जब वो अल्सर होने लगते हैं तो जो हाई फाइबर डाइट होगी वो इरीटेशन करेगी और अल्सर्स को और बढ़ा देती है यह हिंदी में है नेक्स्ट इज डाइट मॉडिफिकेशन कि डाइट में क्या क्या चेंजमेंट होता है तो एनर्जी एनर्जी है वो दस से बीस परसेंट एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है क्योंकि बी एम आर इनक्रीज़ कर जाता है फ़िफ्टी परसेंट बी एम आर मीन्स जो बेसिक सिंपल बेसिक जो एनर्जी नीड है उसको बोलते हैं बी एम आर अब बी एम आर इनक्रीज़ कर रहा है फिफ्टी परसेंट तो सिंपल सी बात है एनर्जी का जो इंक्रीज़ है वो बढ़ जाएगा तो फीवर में जो डाइट होती है वो हाई एनर्जी डाइट देते हैं क्योंकि बी एम आर बढ़ जाता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि प्रोटीन का कैटाबोलिज्म होने लगता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने लगता है तो 1.5 टू 2 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और जो नॉर्मल प्रोटीन होती है 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट होती है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बट फीवर की कंडीशन में ये वन ग्राम से बढ़ कर टू टू ग्राम हो जाती है और जो प्रोटीन देते हैं तो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन देते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू मीन्स जो ईजिली डाइजेस्टिबल हो और उसका एब्जॉर्पन पावर अच्छा होता है वो होता है एनिमल प्रोटीन जो एनिमल प्रोटीन होती है वो बायोलॉजिकल वैल्यू बायोलॉजिकल प्रोटीन होती है बायोलॉजिकल वैल्यू वाली, वाली प्रोटीन जिसका एबजॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी अच्छी होती है वो बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है देन आता है कार्बोहाइड्रेट ईजिल डाइजेस्टिबल एंड हाई एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड विथ सेफ्स प्रोटीन फॉर टिश्यू मेंटेनेंस क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है तो जो कार्बोहाइड्रेट देंगे वो इजीली डाइजेस्टिबल होनी चाहिए हाई एनर्जी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो प्रोटीन का जो कैटाबोलिज़्म हो रहा था वो रुक जाएगा और प्रोटीन को टिश्यू मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है प्रोटीन के कैटाबोलिज़म को रोकने के लिए हाई एनर्जी और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है देन आता है फाइबर हार्स एंड इरीटेटिंग फाइबर एलिमिनेटेड फ्रॉम द डाइट जो बहुत रफ़ फाइबर होते हैं वो फाइबर्स को डाइट से हटा देते हैं एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन में इरिटेशन करते हैं इंटेस्टाइन में इनकी वजह से अल्सर होने लगते हैं इसीलिए हाई फाइबर डाइट को भी अवॉइड करते हैं यह हिंदी में है देन आता है फैट्स जो फ़ैट जो है वो इजीली डाइजेस्टिबल फ़ैट ये सेव करते हैं प्रोटीन एंड प्रोवाइड करते हैं हाई एनर्जी डाइट देखो फ़ैट की जब हम बात करते हैं अगर कोई पर्सन है कोई डिजीज पर्सन है कोई बीमार पर्सन है उसके लिए जब फ़ैट की बात करते हैं तो हम फैट के लिए जो उसका अगर एडिशनल फ़ैट या दे रहे हैं कुछ तो उनको नट्स वग़ैरह सजेस्ट करते हैं क्योंकि नट्स जो होते हैं उनमें हाई एनर्जी के साथ साथ प्रोटीन भी होती है और वो इजीली डाइजेस्टिबल होते हैं और उनमें गुड फैट होता है तो ऐसे में जब फीवर की कंडीशन होती है उसमें इजीली डाइजेस्टिबल फ़ैट देते हैं जो प्रोटीन को बचाता है जैसे इजली डाइजेस्टिबल फ़ैट है क्योंकि फ़ैट में वन ग्राम ऑफ फ़ैट में नाइन किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये प्रोटीन को सेव करता है ये जो कि फिर ये प्रोटीन टिश्यू के मेंटेनेंस में हेल्प करती है तो इजली डाइजेस्टिबल फ़ैट दिए जाते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और फैट और प्रोटीन को टूटने से प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन है प्रोटीन को उससे बचाते हैं देन आता है मिनरल्स मिनरल्स नीड इंक्रीजेस क्योंकि विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं इसीलिए विटामिन और मिनरल की जो नीड है जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है विटामिन ए एंड विटामिन सी एंटी हैं तो इनकी भी इंक्रीज जो नीड है वो बढ़ जाती है फलूड इंटेक फ्लूड का इंटेक मीन्स वाटर वाटर इंटेक भी बढ़ जाता है क्योंकि फ़ीवर में डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए सजेस्ट किया जाता है हाई फ्लूड डाइट ठीक है ये हिंदी में है देन आता है फूड कौन से फ़ूड रिस्ट्रिक्टेड हैं और कौन से फ़ूड रिकमेंडेड हैं अगर फ़ीवर है तो कौन से फ़ूड नहीं देने चाहिए और कौन से फ़ूड देने चाहिए फ़ूड रिस्ट्रिक्टेड जो फ़ूड नहीं देने चाहिए डाइट में हाई फ़ाइबर डाइट हाई फाइबर फूड क्योंकि ये इंटेस्टाइन में इरीटेशन कॉज करते हैं रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं इनमें कुछ बैक्टीरियाज़ भी हो सकते हैं और इनमें हाई फ़ाइबर होते हैं इनमें तो ये इंटेस्टाइन में इरीटेशन करते हैं फ्राइड फूड क्योंकि ये फ्राइड फूड जो होते हैं वो ईजिली डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं और इनमें जो फ्लेवर होता है इनकी जो हाई फ्लेवर हो जो फैट वग़ैरह होता है वो ईज़िली डाइजेस्टिबल नहीं होता है इसलिए हाई फूड डाइट भी जो है रिस्ट्रिक्ट करते हैं देन हाई फ्लेवर डाइट जो हाई फ्लेवर डाइट होते हैं ये इंटेस्टाइन में जाके जो इंटेस्टाइन में जो या फिर बाइल या लीवर में जो एसिड सिक्रीशन होता है जूस सिक्रीशन होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं फिर ये इम्बेलेंस कॉज होता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में अल्सर होने लगते हैं तो हाई फ्लेवर डाइट भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एंड क्या क्या फ़ूड जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं कि क्या क्या फूड रिकमेंड करना है वो हाई फ्लूड डाइट क्योंकि फ़ीवर में डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हाई फ्लूड डाइट हाई प्रोटीन डाइट क्योंकि प्रोटीन जो है वो टिश्यू के मेंटेनेंस में हेल्प करता है और इसीलिए इसका हाई एनर्जी एनर्जी डेंस फूड क्योंकि फीवर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो एनर्जी डेंस फूड लाइक नट्स हो गए ये सब प्रोवाइड करते हैं लो फाइबर डाइट लो फाइबर डाइट देते हैं जिसकी वजह से इंटेस्टाइन में डिस्टरबेंस ना हो इंटेस्टाइन में कोई इरिटेशन ना कॉज हो इसके लिए लो फाइबर डाइट देते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा एंड थैंक यू वे टू तो ज़ैरफ फैमिली से जुड़ने के लिए थैंक यू यह है मेरा फेसबुक पेज आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड वे टू जैरफ इज़ द यूट्यूब चैनल YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा सा से ज्यादा शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी टेक केयर बाय बाय